सामने है जुमित, ये मेरे को मिल गया, बहुत हेल्प कर रहे हैं मेरी, तो मुझे पूरा रास्ता बताए। ये छोटा बच्चा है, ये यहाँ से आगे नहीं जा पाऊँगा, पूरा बह रहा है, तो यहीं से वापस जाना ठीक रहेगा मेरे लिए। चलो मैं निकल रहा हूँ यहाँ से वापस। वाशी तक पहुंचना मेरे लिए एक अचीवमेंट हो गया। मैंने जो प्लान बनाया था उस हिसाब से मैंने कंप्लीट किया वाशी तक पहुंचना। अब मैं जा रहा हूं वापस, अब येरमा गुम्पा होते हुए मैं पनामिक जाऊंगा। देखता हूं मैं कब तक मैं पहुंच पाता हूं येरमा गुम्पा। अभी अराउंड 2 बज रहे हैं, तो लेट्स सी गाइस व्हाट हैपेंस। जो ब्रिज दिख रहा है यहाँ से आप जा सकते हो येरमा गुम्पा, इस तरफ से रास्ता है, नदी बह रही है यहाँ पे, तो यहाँ से मैं जाता हूँ हेनाचाय की तरफ। सामने है जुमित, ये मेरे को मिल गया, बहुत हेल्प कर रहे हैं मेरी, तो मुझे पूरा रास्ता बताए। ये छोटा बच्चा है, ये हाय, ये मेरे फ्रेंड बन गए अभी, है ना। मैं जाऊँगा यहाँ से येरमा गुम्पा। तो गाइस a very good boy, bless him, say hi. Hi. मैं आपको सेंड करूंगा। ये यहाँ तक मैं पहुँच गया हूँ, लिंक रोड टू हेनाचाय टू येरमा गुम्पा। येरमा गुम्पा ये ऐसा एक पत्थर है क्या सब? आगे से पक्का है फिर। कितना किलोमीटर है आगे से देखना? एक नीचे को गया हुआ, एक परे को गया हुआ रोड है। हाँ तो ऊपर वाला रोड मोड़ जैसे है ना। हाँ तो ऊपर का रोड पकड़ना, ऊपर वाला बोला आपको? नहीं नहीं, येरमा गुम्पा जाना है मेरे को, गुम्पा जाना है। हाँ। फिर आपने आगे से होके आगे को मत जाना, नीचे जाना, पुल आएगा सामने। हाँ। पुल होगा नीचे को, कच्चा रोड जाना ना। हाँ। पुल तक आपको कच्चे मिलेगा रोड। कितना किलोमीटर? ज्यादा नहीं है, 15-20 मिनट लगेगा। फिर येरमा गुम्पा आ जाएगा ना। पूरा टूटा हुआ रोड है यार ये तो। येरमा गुम्पा का और कोई इंसान भी नहीं दिख रहा है।
से नदी बह रही है आगे, पता नहीं कैसे क्रॉस कर पाऊंगा। येरमा गुंपा पता भी नहीं चल रहा किधर। यहाँ से आगे नहीं जा पाऊँगा, पूरा बह रहा है, तो यहीं से वापस जाना ठीक रहेगा मेरे लिए, तो मैं नेक्स्ट टाइम के लिए रखूँगा। येरमा गुंपा तो गाइज़ मैं यहाँ तक आ गया था येरमा गुंपा का रास्ता ढूंढते ढूंढते, कोई लोग नहीं दिख रहे, और यहाँ पे एक ज़बरदस्त वाटर क्रॉसिंग है जो मैं ट्राई नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने उधर जाके चल के देखा था बहुत ज़्यादा पानी बह रहा है, बहुत तेज पानी बह रहा है, और मैं अकेला ही हूँ इधर पूरे रोड पे, और कोई आदमी भी नहीं दिख रहा, तो मैं इसके आगे नहीं जाऊँगा। और यहाँ से, और अभी शाम भी होने लगी है, तो यहाँ से मैं निकल जाता हूँ वापस, और मैं येरमा गुंपा को नेक्स्ट टाइम के लिए रखूँगा। वही उसी में सूझबूझ लग रही है मेरे को, ये देखो कितना प्रेशर में पानी आ रहा है, मैं जाके चेक करके आया था, नीस तक का पानी है और काफ़ी प्रेशर में जा रहा है, तो गाड़ी शायद अगर गिर गई तो बंद हो जाएगी, और मैं ये रिस्क ले नहीं सकता इतने आइसोलेटेड एरिया में। सो गाइस मैं यहाँ से वापस जाता हूँ। ऑलराइट गाइस, सी यू सून। सो गाइस जितना रिस्क ले सकता था मैं ले चुका हूँ, बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग हो गई है, और ये पानी बहुत तेज़ बह रहा है, और नी की हाइट तक पानी है, तो मेरी बाइक वहाँ पर रुकेगी नहीं, और गिर गई तो फिर बंद हो जाएगी, और यहाँ पे एक इंसान नहीं दिख रहा मुझे, तो येरमा गुंपा मैं नेक्स्ट टाइम के लिए रखूँगा। काफ़ी आइसोलेटेड एरिया है ये, तो मैं अभी वापस जा रहा हूँ। थोड़ा सा मुझे रिग्रेट हो रहा है, बट एक रिस्क का भी एक लिमिट होता है, तो कैलकुलेटेड रिस्क लिया था मैंने, वो भी कैलकुलेशन के ऊपर जा रहा था, तो मैक्सिमम मैं ट्राई किया मैंने, तो अब मैं वापस जा रहा हूँ यहाँ से, और अभी भी काफ़ी ऑफ रोडिंग है वापस जाने के लिए। एक इंसान नहीं है इस रोड पे। ये देखो पूरे ऑफ रोड है, और ये पहाड़ इधर पुल भी है वो ऐसे ही टूटे फूटे से। पत्थर उड़ रहे हैं यार, बहुत ज़्यादा पत्थर उड़ रहे हैं, और बहुत ही नुकीले पत्थर लग रहे हैं मेरे को, बस ये अच्छा रोड आ जाए बस यही प्रे कर रहा हूँ यार, बहुत ज़्यादा ही ऑफ रोडिंग हो गई है, बहुत ज़्यादा मैंने ज़्यादा ही बाइक को रगड़ दिया है, मेरे हाथ भी पेन कर रहे हैं हैंडल संभालते संभालते। फाइनली गाइस एक रोड मिल गया, यहाँ से अच्छा रोड शायद चालू हो जाए। चप्पल उड़ रहे हैं।